भुवनेश्वरी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपके हर संकेत के पीछे लोक कल्याण के कई कारण छिपे हैं। अंततः देवी गंगा को धरती पर आना पड़ा। उन्हें लाने के लिए भगीरथ को कितने यत्न करने पड़े। हां महादेवी, हिमालय देवी गंगा का स्थायी निवास है, किंतु अभी तो देवी गंगा शिव की जटाओं से निकली है। महादेवी, उनकी यात्रा बड़ी लंबी है। इस यात्रा में एक अनोखा संगम होने वाला है। कैसा संगम महादेवी भुवनेश्वरी? यह संगम प्रयाग में होगा, जहां इस समय सरस्वती की पावन धारा बह रही है। इसका अर्थ यह हुआ देवी भुवनेश्वरी कि देवर्षि नारद अपने प्रयास में सफल हो गए। नहीं महादेवी, अभी नहीं, अभी इसमें समय है। अभी तो महाराज भगीरथ गंगा को साथ ले जाने की प्रसन्नता में है, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। उनकी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां भगवान विष्णु ने धरती पर सर्वप्रथम अपने चरण धरे थे। यह स्थान देवलोक का प्रवेश द्वार है, हरि का द्वार है। आप तो उनकी यात्रा पर अपनी दृष्टि रखिए। पद्मनाभ, भगवान श्री विष्णु के नखों से निकलता रहता है, अवश्य ही नीलकंठ के चरण पड़े हैं, अन्यथा ही प्रकाश न होता। परिक्रमा के बिना तुम यहां से जा ही नहीं सकते।
पर बना इस स्थान से लोग आपको प्राप्त करने की यात्रा आरंभ करते हैं। आज आपके चरण पकड़कर मैं धरती की यात्रा प्रारंभ कर रही हूं। मेरी जलधारा सदैव इस स्थान पर आपके चरण पकड़ती रहेगी। इस स्थान पर आकर मेरी पूजा करने वाला आपकी कृपा से सदगति को प्राप्त होगा। यह स्थान हरिद्वार एक महान तीर्थ बन जाएगा। हे देवी भुवनेश्वरी, देवी गंगा तो यही मार्ग में रुक गई। हां महादेवी, इस स्थान पर भगवान श्री विष्णु के प्रथम बार चरण पड़े थे। जब सागर मंथन के समय अमृत निकलने पर देवताओं और दानवों में अमृत कलश को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ, तब भगवान विष्णु ने यही मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की समस्या का निवारण किया था। मैं समझ गई देवी भुवनेश्वरी, जहां जहां भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श हुआ है वहां वहां से देवी गंगा उनके चरण पखारती हुई निकलेंगी। किंतु हे देवी भुवनेश्वरी, इस भोले भगीरथ का क्या होगा? माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, हे माता, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई माते, जिसके कारण आपने मुझसे रुष्ट होकर अपना मार्ग बदल दिया? माते गंगे, आपने तो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलने का वचन दिया था। हे माता, निश्चय ही मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ है। यदि ऐसा हुआ हो तो मेरा अपराध क्षमा कीजिए माते। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए माते, मुझे दर्शन दीजिए। माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। मेरी ध्वनि का मुझ तक लौट आने से ऐसा लगता है कि जैसे आपने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। कदाचित कदाचित आपको ज्ञात नहीं है माते कि मैं अपनी राजधानी से प्रण करके निकला हूं कि जब तक अपने पितरों का उद्धार होते देख नहीं लूंगा, अपने नगर लौट कर नहीं जाऊंगा। माते लौट आइए, माते आप जहां कहीं भी हैं लौट आइए। माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। हे माता, ऐसा लगता है जैसे अब आप लौट कर नहीं आएंगे, मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। और माता, अब इस विषय में मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। लगता है मेरा भाग्य भी मेरे पूर्वजों जैसा ही है।
हे माता, अब तो इच्छा होती है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूं। हां, मैं अपने प्राणों का अंत ही कर दूंगा। भगीरथ, 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 ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। देवी गंगा को तो ये ज्ञात ही नहीं कि भगीरथ ने मन ही मन क्या निर्णय ले लिया। मैं अभी जाकर देवी गंगा को सूचित कराती हूं। यदि वे अपनी इसी मंथर गति से चलती रही तो अनर्थ हो ही जाएगा। प्रणाम महादेवी। देवी गंगे, प्रणाम का शिष्टाचार छोड़िए और भगीरथ की रक्षा कीजिए। भगीरथ की रक्षा? क्या हुआ भगीरथ को? देवी गंगे, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए वो ये समझकर आगे बढ़ रहा है कि आप उसके पीछे पीछे आ रही हैं, किंतु आपको ना पाकर वो इतना निराश हो गया कि। मैं समझ गई महादेवी, भगीरथ जानता ही नहीं कि मैं कहां हूं और मुझे ना पाकर उसका निराश होना तो स्वाभाविक है। समय कम है देवी गंगा, शीघ्र उसके पास जा। प्रणाम। माते, मैं उलाहना नहीं दे सकता। यदि आपके विषय में भगवान शिव से भी पूछने जाऊं तो भी माते, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, किंतु माते मैं अपनी निराशा का क्या करूं। मैं असफल नहीं लौट सकता माते, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। भगीरथ, ये क्या कर रहे हो? माते आप? पुत्र भगीरथ, क्या तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास नहीं रहा? पुत्र, ये मूर्खता से परिपूर्ण पग उठाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो सामने एक विशेष स्थान को देखकर उधर मुड़ गई थी। पुत्र, अनपर देवाधिदेव भगवान शिव ने विश्वास किया था, उसी स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने मैं रूप धारण करके अपने चरण धरती पर धरे थे। मैं तो उसी पावनता का स्पर्श करने गई थी। माते मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, किंतु भगीरथ तुम मुझे साथ लेकर चल रहे हो तो एक बात ध्यान पूर्वक समझ लो। मेरा स्वभाव कौतुक भरा है, मैं जलधारा हूं भगीरथ, चंचलता मेरी विवशता है। यदि आगे भी चलते चलते मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊं तो भली भांति मेरा पता लगाना। मैं तुमसे फिर कहती हूं भगीरथ, मैं गंगा हूं, तुम्हारे साथ चल पड़ी हूं। पुत्र, मैं वापस नहीं लौटूंगी, तुम्हारा कार्य तो मुझे पूर्ण करना ही है। माते,
मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माते। चलो भागीरथ। चलिए माते। नारायण नारायण। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती को नारद का प्रणाम। माते माते, नारद। प्रणाम माते। माते आपके पुत्र का कार्य संपन्न हुआ। महाराज भगीरथ देवी गंगा को लेकर चल पड़े हैं। वे किसी भी क्षण यहां पहुंचेंगे और शीघ्र ही ब्रह्मलोक का सूनापन आपके आगमन से समाप्त हो जाएगा। पुत्र नारद, अपनी माता पर ही नहीं, तुमने इस पृथ्वी पर भी उपकार किया है। पुत्र, गंगा के आगमन से पृथ्वी धन्य हो जाएगी। माते, यही शुभ समाचार देने में यहां आया था। अब ब्रह्मलोक जाकर पिताश्री आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को भी यह समाचार दे दूं। तेरा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माते। नारायण नारायण। क्या बात है माते? ये हम किस स्थान पर आ गए पुत्र? हे माते, मैंने मार्ग में एक ऋषि से पूछा था, यह स्थान तीर्थों का राजा प्रयाग है। हाँ पुत्र, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पुत्र भगीरथ, तुम्हें यहीं रुककर कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं महादेवी सरस्वती से मिलकर आती हूँ। महादेवी सरस्वती? हाँ, मुझे दूर जलधारा तुम्हें दिखाई दे रही है, वो देवी सरस्वती की जलधारा है। पुत्र, तुम्हें महादेवी सरस्वती का भी आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं धरती पर आई, अन्यथा मेरा तुम्हारे साथ आना संभव न होता। पुत्र, मैं चलती हूँ।